मनुष्य डिसीजन कैसे लेता है? क्या वो तर्क के आधार पर डिसीजन लेता है या कोई मेंटल शॉर्टकट यूज करता है डिसीजन लेने के लिए? ये बातें अगर आपको समझनी है तो आपको जानना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बाउंडेड रेशनैलिटी। आज हम बात करने वाले हैं बाउंडेड रेशनैलिटी और हर्बर्ट सिमन के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स। बाउंडेड रेशनैलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करेगा। आज सोसाइटी या लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, हम सब कैसे डिसीजन लेते हैं, वो एक्सप्लेन करेगा। और किस मॉडल के अगेंस्ट ये आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं आपको ये भी समझना है। तो हुआ क्या था कि पहले बहुत लोगों को लगा था कि इंसान या बाकी लोग जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, रेशनल तार्किक तरीके से वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन हर्बर्ट सिमन ने ये कॉन्सेप्ट दिया बाउंडेड रेशनैलिटी का। उनका कहने का मतलब था कि एक ऐसा डिसीजन मेकिंग जब ह्यूमन डिसाइड करता है तो वो लिमिटेड होता है, जो कॉग्निटिव कितना आपका ब्रेन समझ सकता है उसकी लिमिट होती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और टाइम कॉन्स्टेंट होता है। तो इन तीन फैक्टर्स की वजह से जो रेशनल डिसीजन मेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं लिमिट होती है जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये बोलती हैं कि जो ट्रेडिशनल नोशन है रेशनैलिटी का, जो मानता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे पास कंप्यूटेशनल एबिलिटीज़ हैं, वैसा नहीं है। बाउंडेड रेशनैलिटी मानता है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ह्यूमन कॉग्निशन में, कि ह्यूमन कैसे डिसाइड करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को डिसीफर करता है, उसमें अपने लिमिटेशंस हैं, तो डिसीजन कभी भी कम्प्लीटली तार्किक नहीं होगा। तो वो और क्या बताती हैं कि कैसा होगा फिर डिसीजन, तो वो जानने के लिए हमें और देखना पड़ेगा हर्बर्ट सिमन और उनके इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इनको नोबेल मिला था इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। और ये बताते हैं कि कॉग्निटिव जो कॉन्स्टेंट है, इसलिए क्योंकि इतनी लिमिटेशंस हैं तो डिसाइड इंसान कैसे करेगा, तो वो पूरे तौर पे रेशनैलिटी का बेस नहीं बनाते हैं, वो मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं क्योंकि सिचुएशन अनसर्टेन है और कॉम्प्लेक्स है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप सड़क में कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं खाना खाना है, तो क्या आसपास जितने भी रेस्टोरेंट हैं सबका लिस्ट आपके पास होगा, क्या खाना मिलता है, कैसा खाना मिलता है? तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली बात, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात है कि आपके पास टाइम भी नहीं है, और तीसरा है कि आपका ब्रेन कितना प्रोसेस कर पाएगा वो भी लिमिटेड है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे बेस्ट सेलेक्ट करने की जगह, सबसे रेशनल सेलेक्ट करने की जगह क्या करेंगे कि जिससे भी काम चल जाए, जो गुड इनफ हो। तो वो जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलते हैं द सेटिस्फाइंग प्रिंसिपल। उसके हिसाब से जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो हम जो गुड इनफ के बारे में चले जाते हैं, ना कि ऑप्टिमल। ऑप्टिमल तो वो होगा जहाँ बेस्ट फूड मिले, सबसे कम पैसे में मिले, लेकिन आप वो सर्च करने में नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे यार ये भी तो ठीक है, वो भी तो ठीक है। तो वो सेटिस्फाइंग प्रिंसिपल है कि ठीक है, गुड इनफ है। सिंपल लाइफ में जब आप और भी उस तरह से देखें तो पर्सनल रिलेशनशिप में आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, या कैसे यार ठीक है आपके एक ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय होगा कि उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों के बारे में तब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, टाइम भी लिमिटेड है, आप यंग हैं, आपको जल्दी से डेट करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप सबसे बेस्ट के या ड्रीम वाले के पास ना जाके आप सोचते हैं कि ठीक है ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो उस तरह से जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए कि आप सेटिस्फाइंग प्रिंसिपल पे जाते हैं। तो सेटिस्फाइंग प्रिंसिपल ये मानता है कि जो परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन का जो हम लोग पीछा करते हैं वो इम्प्रैक्टिकल है और इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिविजुअल के बहुत सारे कॉन्स्टेंट हैं। तो जो ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल या ड्रीम रेस्टोरेंट सर्च करने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस हैं हमारी, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। फिर इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, जो डेनियल कैनमैन और ट्वेस्की ने दिया है, वो कहीं ना कहीं बाउंडेड रेशनैलिटी से जुड़ा हुआ। ये क्या कहने की कोशिश करते हैं कि जो रेशनल चॉइस मॉडल था पहले का ट्रेडिशनल, उसको इन्होंने चैलेंज किया है कि कैसे जो इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं। रेशनल चॉइस मॉडल ये मानता है कि कोई भी इंसान जो डिसीजन मेकिंग करता है वो काफ़ी तार्किक तरीके से करता है, और ये काफ़ी मैथमेटिकल और रीजनिंग वाला तरीका होता है, और ऑब्जेक्टिव रियलिटी मान के करता है। लेकिन ये कहते हैं कि प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में कि इंसान ऑब्जेक्टिव रियलिटी रेशनैलिटी के बेस पे नहीं करता, उसकी जो सब्जेक्टिव परसेप्शंस होती हैं वो कैसा उस बारे में सोचता है उसके बेस पे वो डिसाइड करता है। और सब्जेक्टिव परसेप्शन किस बात का, कि लॉस होगा कि गेन होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव वैल्यू के बारे में वो सोच के करेगा। तो ये भी थ्योरी ऐसे रिलेटेड है, किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए
कि अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा, लेकिन आपको लगेगा कि यार इसमें मेरा फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो इसमें आपका सब्जेक्टिव परसेप्शन इन्वॉल्व है। फिर एक इसी वजह से जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आपने सुना होगा और बाउंडेड रेशनलिटी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये भी रेशनल चॉइस जो मॉडल है उसको क्वेश्चन करता है, और इस बात पे भी किसी एक थिंकर को नोबेल मिला है, आपको सर्च करना चाहिए। ये क्या करता है, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को इंटीग्रेट करता है और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करके बात करता है। रिचर्ड थेलर को नोबेल मिला हुआ है और इन्होंने ये बताया कि कैसे कॉग्निटिव जो बायसेस होते हैं और मेंटल जो शॉर्टकट होते हैं वो हमारी चॉइसेस बनाते हैं। जैसे मैंने शॉपिंग का आपको एक्सप्लेन किया, सिंपल आप देखेंगे कि हर जगह आपको एडवर्टीजमेंट मिलते रहते हैं ताकि आपका जब मेंटल शॉर्टकट आप यूज करें तो आपके दिमाग में वो आए कि कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट हो गया, पर्टिकुलर फ़ोन हो गया, पर्टिकुलर जगह हो गई, तो मेंटल, क्योंकि हम पूरे तौर पे तार्किक नहीं हो पाएंगे, तो हमारे दिमाग में जो उस समय आएगा वही हम मान लेंगे। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसी में से एक निकल के आता है नजिंग और चॉइस आर्किटेक्चर। अब ये आप समझेंगे बात, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। नजिंग मतलब होता है बार बार आपको पिंच करते रहना, आपको नज करते रहना कि ये सही है, वो सही है। कभी आपने देखा है कि आपके दोस्त किसी बात के लिए आपको बार बार नज कर रहे होते हैं तो आपको लगने लग जाता है कि यार ये सही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास च्वाइसेस एक पर्टिकुलर तरीके से दी जाएँ तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कुछ च्वाइसेस हम ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे। कभी आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन की जो रिंगटोन होती है, हम में से कितनों ने अपनी रिंगटोन बदली है। ऐसे बहुत सारे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को चेंज ही नहीं करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं ताकि कंपनी का बेनिफिट हो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ये सब चीज़ें यूज करती हैं, वो आपको ऐसे ऑप्शंस देंगी और डिफ़ॉल्ट मोड में वो डालेंगी जहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आप चेंज नहीं करेंगे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन तो उनका फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि कैसे जो भी हम पढ़ते हैं वो रिलेटेड है हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल से। जैसे आप सब्ज़ी वाले के पास गए, सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी वैसे लगा के रखी है जहाँ पे आप देख के अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, फिर आप किधर से सब्ज़ी सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फल लेंगे, कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ें यूज हो सकती हैं। नजिंग यूज हो सकता है, चॉइस आर्किटेक्चर यूज हो सकता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर बाउंडेड रेशनैलिटी और पब्लिक पॉलिसी में हम जब बात करते हैं तो पब्लिक पॉलिसी में सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है इसका, क्योंकि फिर उसी तरह से पॉलिसीज़ बनती हैं जिससे आसानी से लोगों को नज किया जा सके। आपने स्वच्छ भारत अभियान देखा होगा, तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या होता है, इतने पोस्टर्स लगाना, इतना एडवर्टीजमेंट करना क्यों करते हैं? अगर आप कहीं भी बार बार डस्टबिन देखेंगे, वो देखेंगे, तो आपके दिमाग में तो आएगा ना कि ये कूड़ा फेंकने के लिए है, तो आप जब भी बाहर फेंकना चाहेंगे आपके दिमाग में वो लगेगा कि यार यहाँ नहीं ये करते हैं। तो इन सारी बातों को आपको कनेक्ट करना है। फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और बाउंडेड रेशनैलिटी का इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले ही बताया कि गूगल जो सर्च इंजन्स होते हैं, जो उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन असिस करके आपको क्या दिखाएंगे। तो ये सारा जो है कनेक्टेड है। आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप हवा में नहीं होते, आप कैसे उसे टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कैसे पब्लिक पॉलिसी यूज कर रही है, कैसे उसे हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उस तरह से कनेक्ट करना है, और तभी आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर कॉग्निटिव बायसेस और डिसीजन मेकिंग के बारे में बातें करते हैं, जो हमने बात करी पहले भी, ये क्रिटिक के तौर पे भी है कि जब भी हम डिसाइड करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारी खुद की लिमिटेशंस होती हैं, हमारे खुद के बायसेस होते हैं डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से परफेक्ट डिसीजन नहीं होते। दो वर्ड होते हैं जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस और अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल शॉर्टकट्स। ये हमारी च्वाइसेस को इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि हम वही चीज़ें सेलेक्ट करते हैं जो हमारी बातों को सही साबित करे, तो वो कन्फर्मेशन बायस हो गया। फिर क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं उसी पे लिमिट करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये तो रही बाउंडेड रेशनैलिटी के बारे में खास बातें। कॉन्सेप्ट ये पबेड में यूज हुआ है, लेकिन इन जनरल कोई भी कॉन्सेप्ट जब भी कोई राइटर लिखता है तो ये सोच के नहीं लिखता कि वो कहाँ यूज होगा, वो कहीं भी यूज होता है, वो एक थिंकिंग होती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स, और लगातार पॉलिटिकल अफेयर्स देखते रहिए। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जानने हैं, अब एक सीरीज आने वाली है डिबेट के बारे में, उस डिबेट में जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनके बीच में जो डिबेट्स हैं, इन जनरल बहुत सारे डिबेट्स हैं जो आपको मिलते रहेंगे, आपको पढ़ते रहना है, ऐसे जानते रहना है। जय हिंद।